और माशाल्लाह जो कमर के मोरों का इलाज है ना वो मुझे 5 मिनट दे दें, 5 मिनट के अंदर मरीज खुद कहेगा कि मैं सुकून में हूँ। या बेउलादी का इलाज है, जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं, पेट में पानी है, जिनके गुर्दे में पथरी है, उसका बड़ा प्यारा इलाज है। हेपेटाइटिस सी है, वो 1.5 माह में ख़त्म होता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी मैं मंजूर शुदा हूँ, ये आप चेक भी कर सकते हैं। हकीम साहब की दवाई खाते हैं ना, उनकी रिपोर्ट है 6 पे, अब 3 पे आ गई है। डॉक्टर तो मैं गया ना, उन्होंने गल की तेरे गुर्दे वाश होने हैं। तकरीबन 8 साल हो गए मोर के मसलों के, डॉक्टरों को भी दिखाया कोई फर्क नहीं पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ आमिर अब्बास। अगर आप औलादे नरीना से महरूम हैं, सालों पुराने कमर के मोरों के अर्जे में मुबतला हैं, अगर आपके गुर्दों में पथरी है, पेट में पानी है, तो हकीम काला साहब उनका शर्तिया इलाज करते हैं। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूं तो ये खानदानी हकीम है, निसफ सदी से इनके खानदान से हिकमत चलती आ रही है। हकीम काला साहब मुझे ये बताएगा कितने सालों से अवामो नास की खिदमत कर रहे हैं? 22 साल से मैं अपने वाले साहब के साथ हूँ, और मेरे वाले साहब भी करते थे, और मैं तीसरी पीढ़ी पे बैठा हूँ। यानी कि तीसरी, पहले मेरी दादी करती थी, दादी के बाद मेरे वाले साहब आए हैं, वाले साहब के बाद में मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। अच्छा हकीम साहब मुझे ये बताएगा, जो मरीज आए हुए थे, पेशेंट आए हुए थे, मैंने उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि हम सालों से बेड पे पड़े थे, हकीम साहब के पास आए, चंद दिन दवाई खाई, ये ठीक हो गए। ऐसा क्या करते हैं आप, कौन सा नुस्खा है? नुस्खा शफा बिन जानब अल्लाह, शफा अल्लाह पाक ने देनी है, हमारी तो कोशिश है। अल्लाह पाक ने जितना इलम दिया है हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे लगाएंगे। और मुझे सुकून होता है जब कोई मरीज़ आके कहता है ना कि मेरी दर्द ठीक है। और माशाल्लाह जो कमर के मोरों का इलाज है ना वो मुझे 5 मिनट दे दें, 5 मिनट के अंदर मरीज़ खुद कहेगा कि मैं सुकून में हूँ। सालों पुराना भी दर्द हो, शटीका का दर्द हो, और ये 5 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ खुद बोलेगा कि मैं ठीक हूँ। ये बताएगा किन किन अमराज का इलाज करते हैं? जी, कमर के मोरों का, जोड़ों का बड़ा प्यारा इलाज है, बेउलादी का इलाज है, जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं, पेट में पानी है, जिनके गुर्दे में पथरी है, उसका बड़ा प्यारा इलाज है। हेपेटाइटिस सी है, वो 1.5 माह में ख़त्म होता है। जितनी मर्जी पुरानी दर्द हो, 5 मिनट के अंदर माशाल्लाह मोरों के कमर की दर्द ख़त्म होती है। अच्छा हकीम साहब, हकीमों के बारे में तो कहा जाता है नीम हकीम जान का खतरा, तो इस चीज़ को आप कैसे ब्रीफ करेंगे? जी, अगर मेरी दवाई में कोई स्टेरॉइड निकले मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा। ये मेरी दवाई से स्टेरॉइड कोई निकाल दे, मेरा ये चैलेंज है, वो चेक भी करवा ले जाके, मेरी दवाई से स्टेरॉइड निकले तो मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं लाइसेंस होल्डर याफ्ता हूँ। अच्छा। एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी मैं मंजूर शुदा हूँ, ये मेरा कार्ड है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा। यानी कि मैं मंजूर शुदा हूँ भाई। अच्छा हकीम साहब मुझे ये बताएगा, अभी एक पेशेंट मुझे मिला, बंदा अपने दोस्त को लेके आया, कह रहा था कि मेरी शादी हो गई, 5 साल से औलाद नहीं हो रही थी, हकीम साहब के पास आया हूँ, दवाई खाई है, अब 2 साल का उनका बेटा है माशाल्लाह। उसमें जी ये है कि अल्लाह पाक शिफा देने वाला है, औलाद इज़्ज़त रिज़क अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है। और ये है कि बात का ये होता है कि जो इस बंदों के ना स्पर्म कम होते हैं ना, ज़ीरो होते हैं, वो औलाद से महरूम हो जाते हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रा सी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी औलाद से नवाजेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि शिफा देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह पाक शिफा देता भी है। अच्छा हकीम साहब मुझे ये बताएगा, आपकी फ़ीस क्या है, पैसे कितने लेते हैं? जो कमर के मोरों की पट्टी का नाम 400 रुपये लेते हैं। अच्छा। और दूसरा मैं देख भी लेता हूँ, जिनके पास नहीं भी पैसे होते हैं हम उनको भी दवाई दे देते हैं। पैसों से ज़्यादा भाई जो है ना, मुझे इनकी दुआओं का ज़्यादा ना, यही ये इनकी दुआओं का ही असर है कि आपके भाई हकीम काले का नाम पूरे पाकिस्तान में है, और दूसरे ममालिक से भी लोग आ रहे हैं दवाई लेने। अच्छा। सिर्फ ये इनकी दुआओं का ही जो असर है भाई। अच्छा हकीम साहब, हमारी बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, परेशान हैं, वो इन बीमारियों में जकड़े हुए हैं, आपसे रابطہ कैसे कर सकते हैं, आप तक पहुंच कैसे सकते हैं? जी, मेरा दवाखाना लाहौर में है, लाहौर जन्नो हॉस्पिटल के पास, उसके ऑपोजिट साइड पे है यासर ब्रोस्ट, वहाँ पे सर्वस रोड पे होके किसी से भी पूछने, चुंगी अमर सदू पूरे कहीं से भी पूछ सकते हैं, बच्चे से भी किसी से पूछेंगे वो भी बता देगा कि काला हकीम साहब वहाँ पर बैठे हैं। हकीम साहब, अब मैं चाहूँगा कि पेशेंट भी बाहर वेट कर रहे हैं, उनका मैं फीडबैक ले लूँ, क्या आया कि हकीम साहब जो आपको दवाई देते हैं शफा मिलती है या नहीं, उनसे भी एक दफ़ा बात कर लें अगर आपकी इजाज़त हो। नहीं, वो आपका हक है। अच्छा। वो आपका हक है और वो आपको करना भी चाहिए। नाज़रीन, बाहर पेशेंट की भीड़ है, बहुत सी हमारी बहनें, बहुत से भाई बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, उनसे जाके कन्फर्म करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं, क्या वाकई आपको शफा मिली है, आइए लोगों से बात करते हैं। मसला था आपका? मेरे शोहर का गुर्दों का मसला था। अच्छा। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, एक मुगलपुर हॉस्पिटल था अलशिफा क्लिनिक, हमने वहाँ से बहुत महंगा इलाज करवाया, मगर उनको ज़रा भी आराम नहीं आया,
फिर हमें की अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये रिपोर्ट है दिनतुल बैटरी की, हकीम साहब की दवाई खाते हैं ना उनकी रिपोर्ट है, 6/3 आ गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी मेडिसिन से मेरे शौहर काफ़ी ठीक हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गए जी। ना बहुत सारे मसले थे 20 साल से, तो किसी को समझ ही नहीं आती थी मुझे क्या है। मैंने इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से इंजेक्शन भी लगवाए, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल से मेरे फेफड़ों का इलाज हो रहा था, फिर मिड हॉस्पिटल दिल का उससे इलाज हो रहा था, और उसके बाद होम्योपैथिक का हो रहा है, देसी हो रहा है, कोई हॉस्पिटल बड़े से बड़ा और कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई दम नहीं छोड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो फिर इनकी एक हफ्ता दवाई खाई, उससे इतनी मुझे जहर अंदर से मेरा निकला है, इतना जहर निकला है कि 3 दिन मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ और मेरे फेफड़ों में। उसके बाद फिर इतनी अंदर से रेशा और कलर कलर की जहर निकली है और मोशन के ज़रिए। उसके बाद मुझे नींद आने लगी, मुझे सुकून होने लगा, और घुटने मेरे बहुत सूजे हुए थे टांगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी काफ़ी बेहतर हैं। जो जो बीमार है अल्लाह सबको शफा दे, वाइजा मरीज तूफा हुआ या शफीन, बेशक अल्लाह शफा देने वाला है। डॉक्टर तो मैं गया ना, उन्होंने गल की तेरे गुरदे वाश होने हैं, बंदे मैं दसा उन्हें कि फलाना हकीम है फलानी थान से चुंगी तो उनके को जाते रहो गए, उन्होंने बेहतर हो जाए, छोटे छोटे तेरे बच्चे गुरदे वाश हो सने गए। मुझे ये बताएं हकीम साहब पैसे कितने लेते हैं दवाई के, फीस कितनी लेते हैं? बिल्कुल घट जो पैसे लेते हैं पूरे सूरे पर किन्ना पुजेगी है ना जी, उन्होंने को मेरे को पैसे नहीं। आप रेड़ी बांध है तो आप भी अफोर्ड कर सकते इतने महंगे? जी हाँ जी हाँ जी, मैं हकीम साहब ने दसा है वो हुमन दे दें ना दे चुपके दवाई दे दें ना भी पैसे हो तो दवाई मिल जाती हाँ दवाई दे देता है अल्लाह खैर कर सुना जाओ पिछे कि वाल हो जाए मैं तो मुड़। मेरे ना शुगर सी आ पैर न, डॉक्टर ने आखिया तेरिया उंगलों कट देनिया ने, तो इन्हों को आई है तेरे मान आ गया है कटाया नहीं तुसी? नहीं आ वेखो जरा उंगलां कटियां ने आ वेखो हुण सही है उंगलां भी। डॉक्टर कहते थे आपकी ये फिंगर्स काटनी पड़ेंगी? हाँ जी आ कटनियां पैनियां ते इना कोल आईयां ते फिर अल्लाह ने खैर कर दीती है। मैं फैसलाबाद से हूँ। इतने दूर से? बस वैसे शफा के लिए आना पड़ता है। क्या मसला था? मुझे ना मेरी शादी को तकरीबन 5-6 साल हो गए थे, तो मेरे घर औलाद नहीं हो रही थी, तो मेरा एक दोस्त है वो यहाँ से दवाई लेके गया था, तो उसके बाद उसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने तकरीबन 15 दिन इनकी मेडिसिन खाई है, दवाई जो देसी दवाई ये बनाते हैं जड़ी बूटियों की, तो वो खाने से तकरीबन मेरी तबीयत में काफ़ी बेहतरी महसूस होना शुरू होगी। मेरा बेटा है माशाल्लाह 2 साल का, तो उसी सिलसिले में मेरा जो भी दोस्त हो किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे यहीं पर ले कर आता हूँ। आपने सिर्फ 1 मंथ दवाई खाई थी और आपकी मिसेज उम्मीद से हो गया, अब आपका बेटा है? जी मेरा एक बेटा माशाल्लाह 2 साल का, फिदा हुसैन नाम है उसका, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। अभी मैं आता जाता हूँ हकीम साहब से मिलने आए। हाँ वो मेरा एक दोस्त है उसे भी यही मसला है। अपने दोस्त को लेके तो अभी दोस्त के साथ हूँ। अच्छा, तो दोस्त के लिए आप आए? दोस्त के लिए आया हूँ। आप भाई साहब नौजवान हैं, हकीम साहब के पास आए हुए हैं, खैर है? वो हकीम साहब का नेट पे देखा था, मेरा वैसे मोरों का मसला है, तकरीबन 8 साल हो गए मोरों के मसलों के, डॉक्टरों को भी दिखाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब इनके पास है माशाल्लाह 4-5 दिन हुए हैं, बहुत फ़र्क पड़ा है इनके पास आने से ना, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से जी। पहले उठा भी नहीं जा, चला भी नहीं जा रहा था। अच्छा। हाँ जी ऐसे मसला था, लेकिन अब जब से इनके पास हैं अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चल भी सकते, भाग भी सकते हैं, उछल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि चलते फिरते बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। आपकी सेहत के लिए बहुत सी दुआएं। आमीन, अल्लाह का शुक्र है।